मूवी के स्टार्ट में हम तेजस और ईशा को देखते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। इसलिए तेजस आज ईशा के पेरेंट्स से मिलने वाला है। तेजस ने अपनी पढ़ाई यूएस से की है और कॉलेज के दौरान ही वो ईशा से प्यार करने लगा था और अब तेजस यूएस में ही जॉब करता है। वेल, हम आपको बता दें कि तेजस एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वहीं ईशा की फैमिली काफी रिच और रेपुटेटेड है, जो कि यूएस में ही रहती है। अब क्योंकि ईशा के पेरेंट्स ईशा के लिए एक ट्रेडिशनल संस्कारी और लॉयल लड़का चाहते हैं, इसलिए आज वो तेजस से मिलकर उसका टेस्ट लेना चाहते हैं। ये कोई ऐसा वैसा टेस्ट नहीं है, वो दरअसल तेजस का लाई डिटेक्टर टेस्ट करना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि तेजस कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। वेल, एंड ऑफ द टेस्ट, तेजस इस टेस्ट को पास कर लेता है और ईशा के पेरेंट्स तेजस की फैमिली से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हम तेजस की फैमिली से मिलते हैं, जहां पर तेजस की माँ पल्लवी एक परफेक्ट हाउसवाइफ है। वो अपनी कुकिंग और डांसिंग के लिए पूरी सोसाइटी में काफी ज्यादा फेमस है और शायद पल्लवी की इसी पॉपुलैरिटी की वजह से तेजस के पिता मनोहर को सोसाइटी का चेयरमैन बना दिया जाता है और मनोहर भी चेयरमैन की कुर्सी पाकर बहुत खुश होता है। लेकिन सोसाइटी के कुछ लोगों को मनोहर एज अ चेयरमैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन पल्लवी की वजह से कोई भी उसका विरोध नहीं करता है। दूसरी तरफ हम तेजस को देखते हैं, जो कि ईशा के पेरेंट्स को लेकर काफी नर्वस हो रहा होता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर ईशा के पेरेंट्स को उसकी फैमिली पसंद नहीं आई तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। वेल, इसी बीच हम एक छोटी बच्ची किंजल को देखते हैं, जो कि पूरी सोसाइटी में छिप छिप कर दूसरे लोगों की वीडियोस बनाया करती है, ताकि वो गरबा नाइट्स में उन वीडियोस को प्रेजेंट कर सके। इसके बाद हम तेजस की बहन तारा को देखते हैं, जिसने LGBTQA+ राइट्स में PhD की है और वो एक सोशल वर्कर भी है, जिसमें वो गे और ट्रांसजेंडर लोगों के हक के लिए समाज और सरकार दोनों से लड़ती रहती है और इस काम में उसकी पूरी फैमिली उसका सपोर्ट भी करती है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि तारा की सोच और उसके ओपिनियंस उसकी फैमिली से काफी अलग है, क्योंकि उसकी फैमिली में गे और लेस्बियन जैसे शब्द सुनना भी पसंद नहीं करते। इसलिए तारा अपनी सोच को लेकर हमेशा घर वालों से झगड़ती रहती है और कोई भी उसकी साइड नहीं लेता है। एक दिन ऐसी ही किसी बात को लेकर तारा अपनी माँ पल्लवी के साथ बात कर रही होती है, जिसमें वो माँ से पूछती है कि अगर मैं लेस्बियन होती तो क्या आप मुझे अपनाती। वहीं तारा की बात से पल्लवी को काफी अजीब लगता है और वो बिना कुछ कहे तारा से नजरें चुराने लगती है। लेकिन तारा बार बार पल्लवी से एक ही सवाल पूछ रही थी और इसी दौरान तारा अपनी माँ को कायर भी कह देती है। वो कहती है कि एक लेस्बियन लड़की को अपनाने में आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। इस बात से पल्लवी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं कायर नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद एक लेस्बियन हूँ और अब तुम मुझे बताओ क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। पल्लवी की बात सुनकर तारा बिल्कुल हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि माँ उसके ऊपर काउंटर साइकोलॉजी चला रही है। अब इसके पहले कि तारा कुछ बोल पाती, पल्लवी उसे वहां से जाने के लिए कह देती है और इसके बाद हम पल्लवी को काफी सैड देखते हैं, वो रो भी रही होती है। अगले दिन तेजस अपनी पूरी फैमिली के साथ ईशा की फैमिली को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाता है। वेल, सभी के घर पहुंचने के बाद जिस तरह से ट्रेडिशनल वे में तेजस की फैमिली ईशा की फैमिली का वेलकम करती है, ईशा के पिता बॉब इस बात को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद दोनों फैमिलीज आपस में बात करते हैं, जहां पर तेजस के पिता मनोहर अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ ईशा के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे मूवी में ये सीन काफी एंटरटेनिंग बन जाता है। वेल, सब कुछ सही चल रहा था, दोनों फैमिलीज आपस में एक दूसरे को पसंद भी कर रहे थे, लेकिन फिर उसी शाम गरबा सेलिब्रेशन की नाइट्स में एक वीडियो से तेजस की माँ पल्लवी की लाइफ में भूचाल आ जाता है। दरअसल ये वीडियो उसी बच्ची ने शूट किया था जो पूरी सोसाइटी में छिप छिप कर लोगों का वीडियोस बनाया करती है। इस वीडियो में वही कॉन्वर्सेशन थी जिसमें पल्लवी ने तारा से खुद को लेस्बियन होने की बात कही थी, लेकिन फिर ये वीडियो गलत हाथों में लग जाता है, जो पल्लवी और उसकी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्होंने इस वीडियो को इस तरह एडिट करके दिखाया जिससे पल्लवी पूरी सोसाइटी में बदनाम हो जाए। वेल, वीडियो चलने के बाद पूरी सोसाइटी की नजर पल्लवी पर ही आकर टिक जाती है और इसी बीच पल्लवी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस घटना के बाद से ईशा के पेरेंट्स वापस होटल चले जाते हैं और वहां जाकर पल्लवी और उसकी फैमिली के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। यहाँ पर तेजस डिसाइड करता है कि वो होटल जाकर ईशा के पेरेंट्स को समझाएगा, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि उनके साथ किसी ने गंदा मजाक किया है। इसके पहले कि तेजस होटल के लिए निकल पाता, उसी वक्त तारा का हस्बैंड और उसके पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं और उनके आने से सभी लोग ऐसे बिहेव करते हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। वेल, इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि पल्लवी कंचन को अवॉइड कर रही थी। अब वो ऐसा क्यों कर रही थी, ये हम आगे जानेंगे। मूवी के अगले सीन में ईशा के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये किस तरह के लोग हैं, इन्हीं की वजह से हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। साथ ही उन्हें ये डर भी होता है कि कहीं ये बात अगर अमेरिका चली गई तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसी बीच तेजस वहां पर आता है और ईशा के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सब एक गलत फहमी है और माँ ने ऐसे ही बोल दिया होगा। इस बात पे ईशा के पिता तेजस को टोंट मारते हुए कहते हैं कि ना जाने तुम्हारी माँ ऐसे ही क्या क्या करती होगी।
उनकी बात सुनकर तेजस को बहुत गुस्सा आ जाता है और उनके बीच थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है। मूवी में आगे हम तारा को देखते हैं, जिसे अब तक तो यही लग रहा था कि पल्लवी ने उस दिन उसे काउंटर करने के लिए ऐसा बोल दिया था, लेकिन अब उसे डाउट होने लगा है कि माँ उससे कुछ छुपा रही है। तारा इस बात को कंफर्म करने के लिए वो अपनी माँ के पास जाती है और उससे इसके बारे में बात करती है, लेकिन तारा के पूछने पर पल्लवी अपने लेस्बियन होने से डिनाई तो करती है, लेकिन वो उससे काइंड ऑफ नजरें भी चुरा रही थी। तारा को लगता है कि माँ झूठ बोल रही है और वो बार बार एक ही बात उससे पूछे जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद पल्लवी को गुस्सा आ जाता है और वो तारा को एक थप्पड़ जड़ देती है। आगे हम देखते हैं कि उस वीडियो को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग और क्रिस्प बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया है और जल्दी ही वो वीडियो पूरे शहर में फैल जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सोसाइटी की सभी औरतें पल्लवी को इग्नोर कर रही थीं। इनफैक्ट वो अपने बच्चों को भी पल्लवी के पास जाने से मना कर रही थीं। अब बात बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है। वहीं सोसाइटी के लोग मनोहर को नामर्द कहकर बुला रहे हैं। यहाँ तक कि 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि पल्लवी के बिना मंदिर में पूजा हो रही हो। आगे सोसाइटी में एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें कुछ लोग मनोहर से चेयरमैन पद से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। मनोहर उन्हें समझाता है कि ये सब झूठ है। इस पर कमेटी के लोग मनोहर से कहते हैं कि अगर ये सब झूठ है तो तुम्हें सोसाइटी को प्रूफ देना होगा। दूसरी तरफ ईशा अपने पेरेंट्स से लड़कर पल्लवी के घर आ जाती है। वो कहती है कि उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर पल्लवी लेस्बियन नहीं है तो उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट देकर साबित करना होगा। अब क्योंकि पल्लवी तेजस और ईशा को एक साथ देखना चाहती थी, वो इस टेस्ट के लिए हाँ कर देती है। उसी रात ईशा के पेरेंट्स की तरफ से एक बड़ा सा इवेंट रखा जाता है, जिसमें तेजस की पूरी फैमिली भी आई होती है। लेकिन इवेंट में ईशा की फैमिली तेजस की फैमिली को एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वेल, इवेंट के दौरान बार बार पल्लवी के लाई डिटेक्टर की बात हो रही होती है, जिससे पल्लवी वहां पर काफी असहज महसूस कर रही थी, इसलिए वो वहां से उठकर एक शांत जगह में चली जाती है और पल्लवी को जाता देख तेजस भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद कंचन पल्लवी के पास आती है और कहती है कि आखिरकार सच सामने आ ही गया। वेल, इन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पल्लवी और कंचन दोनों लेस्बियन हैं और अपने यंग एज में एक दूसरे से प्यार करते थे। और इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है, जिसमें पल्लवी और कंचन की पास्ट स्टोरी को दिखाया गया है, जहां पर वो दोनों फ्रेंड्स से कब एक दूसरे से प्यार करने लगी थी उन्हें पता ही नहीं चला था। लेकिन पल्लवी अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कंचन को छोड़कर मनोहर से शादी कर ली। और अब क्योंकि दोनों अपनी अपनी लाइफ में सेटल है और लेस्बियन वाली बात किसी के सामने ना आए, इसलिए पल्लवी कंचन को भी अपने से दूर रखने की कोशिश करती है। इसी बीच तेजस पीछे खड़ा उन दोनों की ये सारी बातें सुन रहा था, जिसके बाद से वो अपनी माँ पल्लवी से नफरत करने लगता है। आगे जब लाइट डिटेक्टर वाली बात तारा को पता चलती है, तो वो तेजस के पास जाकर इसका विरोध करती है। वो कहती है कि तुम अपनी शादी के लिए माँ का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि तारा को लगता है कि माँ 30 सालों से अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा रही हैं और लोगों के डर से उन्होंने कभी भी किसी से अपने लेस्बियन होने की बात नहीं की, हमेशा एक नॉर्मल औरत की तरह बनी रहीं। लेकिन तेजस उसे ही उल्टा सीधा सुनाकर उसे चुप रहने को कह देता है और उन दोनों के बीच बहस काफी बढ़ जाती है। एक रात तेजस अपनी माँ से जरूर साथ चलने को कहता है ईशा के लिए ट्रेडिशनल ज्वेलरी लेने के लिए। साथ ही वो ये भी कहता है कि वहां पर सिर्फ हम दोनों को ही जाना है, इसलिए हम सुबह 7 बजे निकलेंगे, जिससे किसी को पता ना चले। लेकिन तारा पीछे से छिपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसे तेजस की बातों में कुछ डाउट होता है। अगली सुबह तारा ईशा की फैमिली सहित सबको जरूर सर जाने के लिए तैयार कर लेती है और ये देखकर तेजस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वेल, इसके बाद सभी लोग झरोसर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसी बीच तेजस मौका पाकर पल्लवी को अपने साथ एक झाड़बूक वाली जगह पर ले जाता है, जहां पर लोग अपने उन बच्चों को लेकर आते हैं जो कि गे होते हैं। दरअसल तेजस अंधविश्वास के झांसे में आ गया था, लेकिन जैसे ही पल्लवी को ये पता चलता है वो फौरन ही वहां से निकल जाती है और अपने बेटे की ऐसी सोच को देखकर उसे काफी दुख होता है। वेल, इन द नेक्स्ट, पल्लवी, कंचन और ईशा की माँ एक ट्रॉली में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। इस दौरान ईशा की माँ अपने पति की बहुत तारीफ कर रही होती है, साथ ही वो पल्लवी को टोंट मारते हुए ये भी कहती है कि एक औरत ही औरत को कैसे चाह सकती है, ये सब कितना अननेचुरल सा लगता है, मैं तो ये सब टीवी पर भी देख लूं तो मुझे घिन आने लगती है। इसके बाद भी वो चुप नहीं होती और बोलती जाती है, जिससे कंचन को उसकी बातें बर्दाश्त नहीं होती और वो भी उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है। बातों ही बातों में विवाद काफी बढ़ जाता है। एट द लास्ट कंचन ईशा की माँ से कहती है कि तुम्हारा पति सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करता है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया है दूसरी औरतों को ताड़ता ही रहता है। साथ में वो ये भी कहती है कि तुम मुझे बताओ, क्या सच में तुम अपने पति के साथ खुश हो, जिस पर ईशा की माँ सोच में पड़ जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती, क्योंकि एक तरह से ये सच भी था। आगे हम देखते हैं कि मनोहर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। दरअसल उसने मुरली की बताई हुई दवाई ली थी, जिससे उसका ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया था और यहीं पर दवाई की वजह से मनोहर की इंसल्ट भी हो जाती है। हॉस्पिटल में पल्लवी मनोहर से पूछती है कि तुम्हें ये दवाई लेने की क्या जरूरत थी।
जिस पर मनोहर काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि क्या इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी वैवाहिक जीवन का सुख दे पाया। यहाँ पर पल्लवी मनोहर से अपने दिल की बात शेयर करती है, ये सोचकर कि मनोहर उसे समझेगा। वो कहती है कि वो मनोहर को पसंद तो करती है लेकिन उसे कभी चाह नहीं पाई। साथ ही वो अपने लेस्बियन होने की बात भी बताती है, लेकिन पल्लवी की बात सुनकर मनोहर पल्लवी को समझने की बजाय उससे नफरत करने लगता है। अब क्योंकि पल्लवी का सच सामने आ ही गया है तो नेक्स्ट मॉर्निंग पल्लवी कंचन के रूम में जाती है, लेकिन वहां जाकर कंचन को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि कंचन को कैंसर था और पल्लवी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और जब पल्लवी कंचन को इस कंडीशन में देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब चूंकि सभी लोग पल्लवी से नफरत कर रहे थे, पल्लवी डिसाइड करती है कि वो इस टेस्ट को देगी, लेकिन तेजस पल्लवी को टेस्ट देने से मना कर देता है। उसका मानना था कि अगर माँ टेस्ट देगी तो पकड़ी जाएगी, जिसकी वजह से उनकी पूरी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तेजस कहता है कि शादी भले ही टूट जाए लेकिन वो आपकी रेपुटेशन खराब होने नहीं देना चाहता, लेकिन पल्लवी तेजस की बात नहीं मानती और टेस्ट देने के लिए चली जाती है। आगे पल्लवी का टेस्ट शुरू होता है जिसमें ईशा के पिता पहले तो पल्लवी से जनरल क्वेश्चंस करते हैं जिससे ये पता चल सके कि पल्लवी झूठ बोल रही है या सच। वेल, कंफर्म होने के बाद ईशा के पिता पल्लवी से काफी निजी सवाल पूछने लगते हैं और अपने पहले सवाल में पल्लवी से पूछते हैं कि क्या उसने अपने पति के अलावा किसी और मर्द के साथ संबंध बनाए हैं कि नहीं। वेल, इस सवाल को सुनकर तेजस को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन पल्लवी उसे शांत रहने को कहती है। वहीं पल्लवी बॉब के सवाल पर नो आंसर करती है। काफी निजी सवालों के बीच फाइनली बॉब पल्लवी से पूछता है कि क्या तुम लेस्बियन हो। अब इसके पहले कि पल्लवी हाँ या ना में जवाब देती, वो बॉब से पूछती है कि क्या आप मुझे लेस्बियन का मतलब बता सकते हैं। इस पर बॉब पल्लवी से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी औरत के साथ संबंध बनाए हैं, और इस सवाल का जवाब पल्लवी ना में देती है। इसके बाद बॉब पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी औरत को गंदे तरीके से छुआ है। अगेन पल्लवी इसका जवाब भी नो में ही देती है और ये भी बिल्कुल सही होता है। आगे बॉब लगातार पल्लवी से गंदे गंदे सवाल पूछे जा रहा था और पल्लवी सभी के जवाब सही सही देती जा रही थी, लेकिन इसी बीच बॉब के सवालों से तंग आकर ईशा की माँ बॉब को ये सब रोकने को कहती है, और साथ में वो ये भी कहती है कि क्या मैंने कभी तुम पर शक किया, असल में टेस्ट तो तुम्हारा होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से हमारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिला है, हमें इस रिश्ते के लिए मान जाना चाहिए। इसके बाद तेजस और उसकी माँ घर के लिए निकल जाते हैं। आगे चलकर रास्ते में तेजस अपनी माँ से पूछता है कि आखिर आपने ये सब कैसे किया, आप टेस्ट में पकड़ी क्यों नहीं गई। जिस पर पल्लवी कहती है कि ईशा के पिता बॉब के सारे सवाल ही गलत थे, अगर वो मुझसे ये पूछते कि क्या तुमने कभी किसी औरत को प्यार किया है तो मैं जरूर हाँ में जवाब देती, लेकिन उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा ही नहीं क्योंकि सबको यही लगता है कि लेस्बियन और गे लोग मिलकर घिनौनी हरकतें करते हैं, लेकिन वही चीज एक नॉर्मल कपल करे तो उसे प्यार माना जाता है। आगे पल्लवी तेजस से कहती है कि तुम्हारी सगाई तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, उसके बाद भूल जाना कि तुम्हारी कोई माँ भी थी। यही बात वो मनोहर से भी कहती है, वो कहती है कि तेजस की सगाई तक हम दोनों को अच्छे से एक साथ रहना होगा और उसके बाद आप भी मुझे भूल जाना, वैसे भी आपको ये रिश्ता नाटक लगता है। इस पर मनोहर कहता है कि तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो, मैंने तो हमेशा अपने पति धर्म को निभाया है। इस बात पर पल्लवी कहती है तो क्या मैंने अपने पत्नी धर्म को नहीं निभाया, आपके बुरे वक्त में मैं आपके साथ खड़ी रही और जब मुझे आपकी जरूरत थी तो आपने मेरी तरफ से मुंह ही मोड़ लिया। आगे हम देखते हैं कि तेजस माँ को लेकर काफी गिल्टी फील कर रहा होता है और इसलिए वो ईशा के पास जाकर उसे कहता है कि वो थक गया है अपने आप को साबित करते करते और अब मुझसे और नहीं होगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, और वैसे भी जो बंदा अपनी माँ को ही नहीं समझ पाया वो तुम्हें कैसे समझेगा, इसीलिए तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है जिसकी वजह से ईशा भी काफी सैड हो जाती है। इसके बाद मनोहर सोसाइटी वालों को पल्लवी की टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि पल्लवी ने टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन मैं इस रिपोर्ट को जमा नहीं करूंगा और ना ही पल्लवी के खिलाफ एक भी शब्द सुनूंगा क्योंकि वो जैसी है मुझे स्वीकार है और आप लोगों को हमारे परिवार के बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और रही बात इस पद की तो मैं इसे अभी छोड़ रहा हूँ। मनोहर के एटीट्यूड से ऐसा लगता है कि उसने पल्लवी को उसके सच के साथ एक्सेप्ट कर लिया है, और इसके बाद मनोहर पल्लवी के पास जाता है और उससे माफी मांगता है अपने किए गए बर्ताव के लिए और उसे ना समझ पाने के लिए। पल्लवी भी मनोहर को माफ कर देती है। वेल, मूवी के एंड में सबको समझ आ जाता है कि किसी का लेस्बियन या गे होना किसी के हाथ में नहीं है, ये प्राकृतिक होता है। वेल, आगे हम देखते हैं कि सभी लोग पल्लवी को उसके सच के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं पल्लवी भी अपनी रियल आइडेंटिटी पाकर बहुत खुश होती है और सबको माफ कर देती है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है।